दोस्ती, रोमांस या टाइम पास, ये जानने की कोशिश में तो रांझा, मजनू, रोमियो सब हो गए खलास। ये स्पोर्ट रितेश, वी नीड लाइक अ नाइस ओपनिंग टू दिस शो। शुरू करते हैं वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डिबेट, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। हम हैं आपके होस्ट जेनेलिया एंड रितेश डी, एंड वी हैव विद अस द फोर बिगीज ऑफ इंडियन टेलीविजन, आर BFFs, यानी बहुत फेमस फ्रेंड्स। प्लीज वेलकम पंजाब की शान एंड टीवी शोज की जान, करण कुंद्रा। Writer, producer, anchor, and presenter, the Lost Boy, Vikas Gupta. Ace actor and model, Tejaswi Prakash. Hi. Our emotions ki tsunami, the ideal daughter, Rashmi Desai. All set to rock the day. All set. Yeah. Yes, and I have always looked up to you both. Thank and you. मैं आपको दादा बुलाने वाली हूँ और आपको वही नहीं, which is भाई and भाभी. Oh sweet. यार पिघलो मत भाई, पिघलो मत, आप हमारी साइड हो. क्यों नहीं पिघलो? ये स्ट्रेटजी है. ये स्ट्रेटजी है. वही तो. हाँ. कितने जलते लोग. लेकिन मैं इस स्ट्रेटजी से बहुत खुश हूँ. We start the world's biggest debate. Ladies versus gentlemen. तो हमारा पहला सवाल है, कितनी परसेंट औरतें एक्सपेक्ट करती है कि मर्द ही पहले प्रपोज करे? Your time starts now. Slider आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए अपना परसेंटेज. अरे लेडीज तो खत्म, तुमको 10 सेकंड की जरूरत भी नहीं है, 15 सेकंड की जरूरत नहीं, 5 सेकंड में आपने जवाब दे दिए. तो आइए देखते हैं लेडीज का परसेंटेज क्या है. यू थिंक ओनली 60% वुमेन ऐसा उम्मीद रखती हैं कि लड़के प्रपोज करे, वरना ऐसे 40% लड़कियां हैं जो बोलती हैं मैं खुद ही प्रपोज कर लूंगी, या प्रपोजल की जरूरत ही नहीं है. बेस्ट तो वही है. क्या मैं सुपर बेस्ट? क्योंकि ये हमारे साथ हुआ था, हमने कभी प्रपोज ही नहीं किया. प्रपोज किया ही नहीं, किया ही नहीं. अगर वो प्रपोज करते तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट, कैसे होते? तो एक बार होना चाहिए ना. नथिंग ही डिड. नथिंग ही डिड मतलब क्या? बच्चे ऐसे ही पैदा हो गए? प्रदेश just before the wedding, like it was like I think 5 days before, I said Ritesh, now I need this proposal. He did full drama. He did. Yeah. Huh? Yeah. Yeah. So then I figured out कि मुझे क्या करना है. Okay. और अच्छा ये स्टोरी मैं बता रहा हूँ. हाँ बताओ बताओ बताओ. Please बताओ ना please. शादी के 2 दिन पहले तक we were shooting और मैंने इनको कहा कि चलो मुझे कुछ जूते लेने हैं तो ताज में जाते हैं. शाह ओके फाइन. तो हम लोग चले गए वहाँ पर और गेटवे पे मैंने गाड़ी रोक दी और बहुत भीड़ थी वहाँ पर. तो हम लोग जैसे उतरे सब लोगों ने देखा, हम लोग भाग के गए, एक स्पीड बोट थी, स्पीड बोट से हम लोग गए और मेरे दोस्त की एक यॉट थी तो यॉट पे हम लोग चले गए. यॉट पे जाने के बाद डेक पर हम दोनों बैठे और मैंने वो यॉट घुमाई मरीन ड्राइव की तरफ एंड मैंने अपने दोस्त को टेक्स्ट किया. वो मरीन ड्राइव की बिल्डिंग पर था जहाँ पर उसने फायरवर्क शुरू कर दिए. Wow. At that point, it was sunset in middle of the ocean and there were fireworks. Look at Rashmi's face. She's gone like this. This is so dreamy. Actually, it's dreamy, yaar. सुनो लड़कियों, ये बाकियों से एक्सपेक्ट मत करना, बजट बहुत ऊपर चला गया, मेरा तो घर बार बिक जाएगा. But you didn't expect it. No, absolutely. But what were you feeling at that, Roy? Oh yeah. अरे full drama. एक बार दिखा तो. Don't you want to see? You will have to propose. I need it. Of course. You have to propose. चल विकास हम पीछे खड़े हैं. चलिए चलिए. हमने साइड चेंज कर ली. हाँ जी.
You will have to propose. अरे शादी के पहले propose किया वरना शादी नहीं करती. She wants to know कि क्या होती feelings. Na 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 na. मला पूर्ण विश्वास है माझ्या दादावर. You can do it. You can do it. Jenilia, will you marry me? Oh, oh, oh. Of course! रश्मि तो बताइए आपको क्या लगता है? आई थिंक पहले ये होता था कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर और सोसाइटी हमें बहुत पीछे रखता था. बोलने में हिचकिचाते थे, तब तक कोई और आके हमें ले भी जाता था. पर अब ऐसा नहीं है, ले भी जाता था. Nowadays women have become very very fearless. बोल देते हैं, बात कर लेते हैं, if it works out fine, doesn't work out, I think they move on in life very beautifully. Also a lot of relationships are very organic, it's just unsaid. Yeah. Like y'all, there's no proposal or anything required. Teja is absolutely right. I agree with you. Yeah, it just happens and it's beautiful that way. It's beautiful. तो आप ladies के बारे में तो हमने सुन लिया उनका क्या percentage है. आइए देखते हैं जेंटलमैन की क्या सोच है. 90%. 60-90. आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच. It's 85%. Oh, well done. इंडिया की सोच है 85%. इस सवाल का सही जवाब है 80%. एंड BFFs, आप में से जेंटलमैन आर क्लोजर टू इंडिया की सोच. थैंक यू. हमारा अगला सवाल है, कितनी परसेंटेज औरतों को लगता है कि मर्दों को हाउस हस्बैंड बनने में दिक्कत होगी. आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अभी. परसेंटेज स्लाइडर आपके स्क्रीन पर आ चुका है. चूज योर राइट परसेंटेज राइट नाउ. ओके, दिस टाइम लेट्स सी द जेंटलमैन फर्स्ट. ओहो, आइए देखते हैं लेडीज का परसेंटेज क्या है. 75%. वाओ. अच्छा, आपको दिक्कत है हाउस हस्बैंड बनने में? एब्सोल्युटली नॉट. मैं खुद की स्टोरी भी बता रहा हूँ. कभी ऐसा होता था कि मेरी पार्टनर को शूट करना पड़ता था ज्यादा देर तक, तो मुझे पीछे से चीजों का ध्यान रखना पड़ता था. हमारे पेट्स थे तो उनका ध्यान रखना पड़ता था, विच इनिशियली आई वाज लाइक कैसे आप पाए, यू नो, बिकॉज आप यूज टू नहीं होते हो, आपको बताया नहीं गया होता है, बट वो एक दो दिन धक्के खा के हो जाता है. सो मुझे नहीं अब लगता कि ये लेडीज का काम है या फिर ये आदमियों का काम है. बट जो मैंने आंसर दिया है वो इस पॉइंट पे थी कि कितनी परसेंट औरतों को लगता है कि मेन विल हैव अ प्रॉब्लम, वो परसेंटेज हिंदुस्तान में हाई है. करेक्ट. मेरे हिसाब से पति और पत्नी में जो जिस काम में सबसे ज्यादा निपुण है उसको वो काम करना चाहिए. करेक्ट. इफ माई वाइफ इज अर्निंग डबल द अमाउंट ऑफ मनी, प्लीज जा रहे तू, मैं यहाँ पर घर देख लेता हूँ. ओके. मुझे लगता है कि ऑब्वियसली बहुत सारे मेन आर नॉट ओके विद दैट ऑल्सो, बट मुझे लगता है उतनी ही औरतें भी बहुत कम है जो ओके है हैविंग अ हाउस हस्बैंड. गुड पॉइंट. देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन हु डोंट वांट अ हाउस हस्बैंड एंड हु डोंट वांट टू बी द वन अर्निंग एंड पेइंग फॉर ऑल ऑफ हिज दिस थिंग. सो इफ यू आर अ फेमिनिस्ट देन हैव दैट थिंग ऑफ इवन अर्निंग योर, you know, yourself, like buy your own things. No, but from my our example, I was always working, and correct. When we got married, I wanted to be at home because I felt it was a phase of my life that I wanted to spend that time, you know, making my house, being it. It wasn't a like Ritesh till today says, "Chalo, abhi start karo. You need to work in." And, you know, and I'll tell you, the day she decides to do a film, I will make sure ki main us waqt mein kaam nahi kar raha. Yeah. And I'll become a manny. मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा. करेक्ट. जैसे मैं काम करता था, ये बच्चों को लेकर सेट पर आती थी कभी, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग द फादर टेकिंग द चिल्ड्रन
टू हर सेट. वेरी नाइस. बट आई थिंक अगर आप गांव एरिया की तरफ जाओगे वहां पर ऐसा नहीं है. वहां पर है आज भी कि मैं घर का मर्द हूँ, मैं ही सब कुछ करूंगा. तो वो घर की औरतें डेफिनेटली ये सोचती हैं कि मैं इनको ये नहीं बोल सकती कि मैं भी काम करना चाहती हूँ. कहीं ना कहीं उनको लगता है कि तेरा काम है चूल्हा चौंकना, बच्चे संभालना और घर का काम करना. यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड. आई अग्री. और ईगो की प्रॉब्लम होती है आदमियों की. yes, yes, और सिर्फ आदमियों की नहीं, आदमियों के पेरेंट्स की भी. कि अगर ये हमारे घर में मर्द है तो ये कहेगा हमारी बहू क्यों जा रही है काम करने. और उनके बेटे के लिए भी तो ये शर्म की बात है ना कि हमारी बहू जा रही है काम करने, हमारा बेटा घर पे बैठा है या बेटा उतना नहीं कमा रहा. एब्सोल्युटली. आई थिंक इनिशियली हाउ वुमेन वर ब्रॉट अप, दे वर ब्रॉट अप टू जस्ट बी डॉटर इन लॉज और वाइफ. या द टर्म हाउस वाइफ इज एक्चुअली, you know, not given enough of respect. Yes. A homemaker is the most difficult yes. job. It's a full-time job where you don't get any payment, you know, at the end of the day. It's true. Gentlemen ke 85%, ladies ke 75%. Aayye dekhte hai, kya hai India ki soch. India ki soch hai 71%. The correct answer to the question is 70%. Ladies are closer to India ki soch. Aaj ka aakhri sawal hai. Kitne percent mardon ko irritation hoti hai jab unki partner poochti hai, kahin mera wazan badh to nahi gaya hai? Bilkul nahi baby. आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब. परसेंटेज स्लाइडर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से करेक्ट परसेंटेज क्लिक कीजिए. ये सब अपने अपने इंडिविजुअल स्कोर्स देंगे लेकिन आपको एवरेज स्कोर दिखाया जाएगा. तो देखते हैं लेडीज का एवरेज परसेंटेज क्या है. Ooh. 80%. Not bad. Let's see what the gentlemen have. आज बहुत घर टूटने वाले हैं. काफी नजदीक है. Please. ये बट बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन. क्यों ऐसे क्यों क्या? अरे बट अगर गर्लफ्रेंड साथ में बैठी हुई जो लोग देख रहे हो तो फंस गए ना. देखा अच्छा तो तुम्हें इरिटेशन होती है जब मैं पूछती हूँ. अच्छा मैं बताना चाहता हूँ इंडिया को कि मुझे बिल्कुल इरिटेशन नहीं होती है क्योंकि मेरा जवाब बिल्कुल सीधा सच्चा होता है. बेबी यू आर लुकिंग परफेक्ट. ओहो ऑफ कोर्स दैट्स द वे एवरी मैन शुड फील दैट ऑल देयर वाइव्स आर परफेक्ट. सीख लिया क्योंकि ये यहाँ पे है इसलिए बोलना पड़ता है. You feel your pain. अच्छा आप बताइए विकास जी. पूछना ही नहीं चाहिए सवाल कभी भी क्योंकि जैसे वो हमेशा ही अच्छे लगोगे ना. मोर द मेरियर ऑल्सो समटाइम्स इफ यू आर बिकमिंग बिगर इट्स ओके. या बेसिकली ना मैं बताऊं पिटेंगे हम लोग अगर हम कुछ भी बोलेंगे. हाँ, अगर आप बोलोगे कि बढ़ गए तो फिर अलग से आप शुरू हो जाएंगे कि अच्छा यू डोंट फाइंड मी अट्रैक्टिव एनी मोर ये वो ये. अगर हम बोले कि नहीं बेबी बिल्कुल भी नहीं तो बोले कि झूठ क्यों बोल रहे हो मेरे को मालूम है मेरा 5 किलो वेट बढ़ गया. प्लीज आप जान लो लड़कियों कि आदमियों को अच्छा नहीं लगता मत है. पूछो ना ये मत. But you can answer nicely. Yes. आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं. पूछना. Have I put on weight? तेजस्वी इस ड्रेस में थोड़ी मोटी लग रही है. ओह उसका मूड चेंज हो गया था. This is what I'm talking about. Look at her. नहीं लग रही मेरी माँ नहीं लग रही. आई स्वयं नहीं लग रही. I'll try. Ritesh, have I put on weight? Not at all. You're fine. आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि आपको सवाल पूछना चाहिए? आपको क्या लगता है? सीधा वॉलीबॉल करके उनके कोर्ट में डाल देना चाहिए. तो आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच. इंडिया की सोच है 65%. इस सवाल का सही जवाब है 60%.